बोलो राणा विक्रम की जय। उदा रहने दो, अभी अचानक से सब कुछ बदला है तो सदमे में है बेचारी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। राणा विक्रम की अनुमति से अब हम यहां पर उपस्थित सारे संत साधुओं से विनती करते हैं कि इस पूजा से संबंधित कोई भजन गाएं। ये भजन आपके लिए। मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिन रैन, राह तके मेरे ने करूं दिन रैन, मनमोहन काना विनती करूं दिन रैन। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी हमसे तो ना ही बस करो। क्या मेवाड़ में अपने संधियों का ऐसा ही सत्कार होता है? क्षमा करना सासू साहब, पर मैंने चित्तौड़ की बहू से ऐसी अपेक्षा नहीं की थी। इस तरह गैर मर्दों के बीच नाचने में आपके साथ साथ हमारा भी अपमान किया है इसने। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। जब तुम्हारे श्री जी की राणा बनने की सारी विधियां पूरी हो जाए तो हमें संदेश भेज देना, बग्गी तुम्हें लेने आ जाएगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उदा के ससुराल वालों के सामने तुम ऐसा कुछ मत करना कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, पर तुम कहां मानने वाली हो गाइन? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे बाईसा के ससुराल वालों को अपमान हो।
हाँ मेरी भक्ति को वो अपना अपमान समझे तो ये उनकी समस्या है। समस्या है क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ये भक्ति नहीं छिछोरापन है। पता नहीं राणा साने इस दो टके की नाचने वाली को मेवाड़ की कुल वधू कैसे बना लिया। ऐसा नहीं मत कीजिए, हम पर दया कीजिए। आप अन्नदाता है, हमारे राणा है, हम पर दया कीजिए राणा साहब, हम पर दया कीजिए राणा साहब, हमसे दुगनी लगान मत लीजिए। दुगना लगान तो दूर की बात है, हमारे पास तो मूल रकम भरने के लिए भी धन नहीं है राणा साहब। लगान माफ कर दीजिए अन्नदाता, अन्नदाता इस साल का लगान माफ कर दीजिए, हमारी विनती सुन लीजिए। लगान के लिए धन कहां से आएगा यह तुम्हारी समस्या है। ऐसी विनती लेकर आज के बाद मेरे सामने मत आना। कीजिए, हमारी बात तो सुनिए राणा साहब, हमारी मदद कीजिए, हमें राणा के जुलम से बचा लीजिए। आइए भाई साहब आइए। आइए भाई साहब, देखिए भाई साहब, पिछले साल कोई बारिश नहीं पड़ी, न इस साल कोई फसल हुई है। हम चार लोग हैं घर में खाने वाले, लेकिन इतना भी अनाज नहीं कि किसी एक का पेट भर सके। अकाल ने किसी लायक नहीं छोड़ा भाई साहब। आइए भाई साहब। आइए आइए भाई साहब, ये देखिए इस बच्चे ने दो दिन से दूध नहीं पिया है, और ये लोग बस दिन में एक बार कुछ सूखे चावल खाकर अपना पेट भर लेते हैं। आइए देखिए भाई साहब, ये लाड़ो है और ये इसकी सासू सा, पिछले एक महीने से बीमार है, और वैद्य जी को लाना तो दूर, 2 जून के खाने तक को धान नहीं इनके पास, पानी पी पी कर पेट भर रहे हैं ये। हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो लगान भरने के लिए धन कहां से लाए। चौमासा शुरू हो गया भाई साहब और बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। अगर अगले महीने तक बारिश नहीं हुई भाई साहब तो हम वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, और फिर आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। हाँ हाँ, अब हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। अब आपके ही सहारे हैं गौरी साहब। आप सब चिंता ना करें, मैं राणा साहब से बात करूंगी। इस बार राणा साहब आपसे लगान नहीं लेंगे। लगान तो हम लेकर ही रहेंगे, वरना राजकोष खाली हो जाएंगे। पर हुकुम, किसानों की हालत ठीक नहीं। सब नाटक है इनका, इनकी हालत कभी ठीक रहती भी है भला?
हमेशा कोई ना कोई बहाना, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी खड़ी फसल को कीड़े चट कर जाते हैं। अरे कोई बताए, जब सालों से अनाज पैदा ही नहीं हुआ है तो कमबख्त खाते कहां से हैं? बस लगान देने के नाम पर आंखों में आंसू भर लाते हैं। बरसों से इन किसानों ने हमारे बाबू साहब की उदारता का फायदा उठाया है, बहुत लूटा है इन्होंने, पर अब नहीं, अब हम पिछला सारा लगान सूद समेत इनसे वापस लेंगे। जाओ इन किसानों को चेतावनी दे दो कि लगान भरने की तारीख नजदीक आ रही है। लगान की तारीख नहीं, किसानों के आखिरी दिन नजदीक आ गए हैं राणा विक्रम। आपको पता ना हो तो बता दूं, आपके राज्य की प्रजा भूखी मर रही है। पिछले साल की तरह इस साल भी अकाल पड़ा है, फसल का नामो निशान तक नहीं है। अगर राजकाज में दखल ना दो तो बेहतर होगा मीरा। दखल नहीं, मैं तो बस आपको इस परिस्थिति से अवगत कराना चाहती हूँ। सोचा आप नए नए राणा बने तो शायद आपको पता ना हो कि आपकी प्रजा किस हाल में है। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। जब सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि वो किसान लगान के लिए धन इकट्ठा नहीं कर सकते। कमाल है, राणा हम हैं और चिंता आपको हो रही है। अगर इतना ही शौक है राज्य चलाने का तो राज गद्दी पर खुद क्यों नहीं बैठ जाती? ये ले लो, ये राज मुकुट तुम ही पहन लो और तुम ही राणा बन जाओ। एक बात कान खोल कर सुन ले मीरा, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाना, अपनी कृष्ण भक्ति में ही सीमित रहो तो बेहतर होगा मीरा। ये आप ही की प्रजा है राणा विक्रम, कहीं भागकर नहीं जाएगी। आपको लगान चाहिए ना, मिल जाएगा, पर आप अपनी प्रजा को थोड़ा समय तो दीजिए। अगर अगले एक महीने में बारिश हो जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फसल उग सकती है और किसान खुशी खुशी अपना लगान दे सकते हैं। आशा रखना बहुत अच्छी बात है मीरा भाभी, पर आप शायद ये नहीं जानती कि यहाँ पिछले एक वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, तो अगले एक महीने में कहाँ से होगी? सब कुछ जानते हुए भी आप अपनी प्रजा से दुगना लगान मांग रहे हैं। मैं देख कर आई हूँ राणा साहब, उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उन्हें बस कुछ एक महीनों का समय और दे दीजिए। ठीक है, अब जब किसानों की रक्षक, उनकी देवी मीराबाई खुद चलकर हमारे पास आई है तो समय तो देना ही होगा। दस दिन का समय है तुम्हारे किसानों के पास उनकी फसल को बचाने के लिए। अब देखते हैं उनकी देवी उनके लिए क्या कर सकती है इन 10 दिनों। पर विक्रम, इन 10 दिनों में अगर 10 दिनों में वर्षा हुई तो मैं उन्हें फसल पकने तक का समय दूंगा लगान भरने के लिए, और अगर 10 दिन में वर्षा नहीं हुई तो मैं उनसे उनकी जमीनें छीन लूंगा।
अब आपके पास उन्हें बचाने के लिए 10 दिन हैं। बचा सकती हैं तो बचा लीजिए। भाई साहब, उन्होंने कहा और आप मान भी गई? मान लीजिए, जैसे तैसे हमने बीज का इंतजाम कर दिया, हल चला दिया, बीज बो दिए और उसके बाद भी वर्षा नहीं हुई तो हम तो दोहरी मार मारे जाएंगे। केशव सही कह रहा है मीरा भाई साहब, 10 दिनों में तो वर्षा हो ही नहीं सकती। और अगर हो गई तो आप सब लोग कम से कम अपने अपने खेतों में हल तो चलाइए, बाकी सारी चिंताएं मेरे गिरधर पर छोड़ दीजिए। आपके कृष्ण तो भाई साहब आपकी ही मदद करते हैं, हमारी नहीं। सच कहा भाई, यदि ऐसा होता तो आज हम भूखे नहीं मर रहे होते। मैं तो आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। क्षमा की, हमने आपसे मदद मांगी, हम कुछ भी करके लगान की रकम का बंदोबस्त कर लेंगे। हम अपने हाथों से ये जमीन नहीं जाने देंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये जोखिम नहीं लेंगे। हम ऐसा जोखिम नहीं ले सकते। हाँ, ये जोखिम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। चलो चलो, हम जोखिम नहीं लेंगे। चलो बताओ, क्या खबर लाए हो? मीरा भाई के साथ एक भी किसान नहीं है। मीरा भाई का साथ देने से सब गांव वालों ने मना कर दिया। बेचारी मीरा देवी चली थी किसानों की मदद करने के लिए, अब उसे पता चलेगा राणा विक्रम के सामने खड़ा होना आसान काम नहीं है। इसी तरह मीरा की सारी खबरें मुझ तक पहुंचाते जाओ तो तुम्हारा सारा लगान माफ। ये खेल तो मैं जीत गया मीरा भाभी। आप सब लोगों के पति ये जोखिम लेने से घबरा रहे हैं तो क्या आप सब भी हिम्मत हार चुकी हैं? बोलिए। क्या आप सब लोग इस एक मौके को अपने हाथ से जाने देना चाहते हैं? अगर अगले 10 दिनों में वर्षा हो गई तो आप ये चाहती हैं कि आप ही की तरह कल को आपके बच्चे भी लगान के बोझ के तले दबे रहे? बताइए, अपने कल को सुधारने के लिए आज ये जोखिम नहीं उठा सकते? आप सबके पति मेरा साथ देने से डरते हैं, पर कम से कम आप लोग तो हल उठा सकती हैं। हमने कहा ना, हमसे गलती हो गई, जो हमने आपके सामने मदद के लिए हाथ फैलाया। चलो चलो, सब अपना अपना काम करो, देखते हैं कि सबका बंदोबस्त अब कहां से होगा। देश के लिए हमें अपने आप को भी पूरा देखना पड़ेगा। चलो तो नहीं, अपने आप को बेचने से अच्छा है कि आप मेरी बात सुने, मेरी बात मानिए। अपने हल जोती है, उनमें बीज डालिए, फसल तैयार कीजिए। मैं कहती हूँ वर्षा जरूर होगी, मेरे गिरधर पर विश्वास रखिए, वो वर्षा जरूर करेंगे। रुकिए रुकिए, मेरे कृष्ण पर विश्वास कीजिए।
चलो चलो। हमारी सहायता जरूर करेंगे। तुम सब लोग पागल हो गई हो, बावली हो? इनकी बातों में मत आओ, ये हमारी कोई मदद नहीं करेंगी। हमें मीरा भाई पर पूरा विश्वास है, हम इनके साथ हैं। आपको साथ आना है तो ठीक है, वरना हम खेतों में खुद ही हल चला लेंगे। चलो मान भी लिया, हमने खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया, पर केवल केवल हल चलाने से फसल नहीं खड़ी होती। हमें बीज, खाद, धान, इन सब की व्यवस्था कहाँ से होगी? कहाँ से होगी व्यवस्था? सही कह रहा है, कहाँ से होगी? अगर आप सब लोग खेती करने के लिए तैयार हैं, तो इन सब चीजों की व्यवस्था आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं खाद और बीज का इंतजाम करके अभी आती हूँ। चलो ललिता। या तो तुम्हारे सुनने की शक्ति कम हो गई है या फिर स्मरण शक्ति। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मीरा कि मेरे धन को मत छूना, तुम फिर भी आ गई। मैंने आपके धन को हाथ तक नहीं लगाया है, वही लेकर जा रही हूं जो मेरे पति मेरे लिए छोड़ गए थे। तुम्हारे पति इस परिवार का हिस्सा थे और राज्य नियमों के अनुसार राज्य परिवार की हर एक चीज पर पहला अधिकार राणा का होता है। इसलिए आज से तुम्हारे पति का धन भी मेरा हुआ। पर राजमाता ने कहा था कि... कौन सी राजमाता की बात कर रही हो तुम? जिस दिन से मेरा बेटा राज सिंहासन में बैठा है, उस दिन से इस मेवाड़ की राजमाता सिर्फ मैं हूँ।